आपका स्वागत है। आज मैं ड्राई मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, जो कि एक इंडो चाइनीज रेसिपी है। इसको बनाना आसान है और ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ड्राई मंचूरियन कैसे बनती है। और अगर आपको मेरे ड्राई मंचूरियन की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ड्राई मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा पत्ता गोभी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक शिमला मिर्च, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। एक प्याज, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है, प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर, स्प्रिंग अनियन, ये स्प्रिंग अनियन का ऊपर का पार्ट है, ये स्प्रिंग अनियन का नीचे का पार्ट है, ये स्प्रिंग अनियन है, ये स्प्रिंग अनियन का ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है। मैंने यहाँ पर मंचूरियन के लिए दोनों यूज किए हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 चम्मच मैदा, बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा ली है, 1 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 ग्रेट की हुई गाजर, 250 ml तेल मंचूरियन की बॉल को तलने के लिए। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम बॉल की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे, बाउल में कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, ग्रेट की हुई गाजर डालेंगे। गाजर को मैंने यहाँ पर ग्रेट किया है, आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, यहाँ पर मैंने 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है तो मैं 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, 1 चम्मच ग्रेवी के लिए रख लेंगे। मैदा डालेंगे, नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सारी सब्जियों का हमें एक डो तैयार करना है, तो हम यहाँ पर डो तैयार कर लेते हैं। एक बात का आप ध्यान जरूर रखें कि आप इसमें पानी ना डालें। अगर आप पानी डाल देंगे तो आपकी बॉल्स अच्छे से नहीं बनेगी, क्योंकि सब्जियाँ मॉइस्चर छोड़ती हैं, इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, बॉल्स का डो हमारा तैयार हो गया है। तो बॉल्स बनाने से पहले हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। गैस को ऑन करेंगे और तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तो चलिए हम बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, ये देखिए, इस तरीके से हम बॉल्स बनाएंगे। जैसी बॉल्स आपको पसंद है, अगर आपको बड़ी पसंद है तो आप बड़ी बनाइए, छोटी पसंद है तो छोटी बनाइए। ये देखिए, मंचूरियन की बॉल हमारी तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हम सारी बॉल बना लेंगे। बॉल्स हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल को हम चेक कर लेते हैं गर्म हुआ कि नहीं। ये डो का थोड़ा सा पोर्शन है, इसको तेल में डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए हम बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हाई करके बॉल्स को हम तलेंगे। 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जब बॉल्स हमारे नीचे से फ्राई हो जाएगी तब हम इनको पलटेंगे। 1 मिनट हो गया है, तो चलिए अब हम बॉल्स को पलट लेते हैं। मंचूरियन की बॉल्स को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉल्स का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे। मंचूरियन की बॉल्स हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम इनके लिए सॉस बना लेते हैं। मैं यहाँ पर मंचूरियन का सॉस बनाने के लिए सेम पैन का यूज़ कर रही हूँ। पैन में 2 चम्मच तेल डालकर हम तेल को गर्म करेंगे।
तेल हमारा गरम हो गया है तो अब हम तेल में कटी हुई मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, ये मैंने स्प्रिंग ऑनियन का नीचे का हिस्सा डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। जब तक हमारी प्याज भून रही है तो चलिए हम कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे, बाउल में कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर का घोल पहले भी बना के रख सकते हैं। पानी डालेंगे, मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। सोया सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे, टमाटो केचप डालेंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे, मैं यहाँ पर 1/2 छोटे चम्मच से भी कम नमक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने टमाटो केचप डाला उसमें भी नमक होता है, बॉस बनाई है उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक का यूज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। कॉर्नफ्लोर का घोल हमारा तैयार हो गया है। चलिए हम प्याज चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारी भुन गई है, प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम प्याज में कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए ग्रेवी हमारी थिक होने लगी है, तो अब हम इसमें फ्राई की हुई बॉल्स डालेंगे। मिला देंगे अच्छे से। बॉल्स को ग्रेवी के साथ हम कुछ सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ड्राई मंचूरियन हमारा तैयार हो गया है। अब हम मंचूरियन पे कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, ये ऑनियन का ऊपर का पार्ट है। ड्राई मंचूरियन हमारा तैयार है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और मंचूरियन को एक प्लेट में निकाल कर गरम गरम सर्व करेंगे। मंचूरियन को हम एक प्लेट में डालेंगे, वो प्लेट में डालकर गरम गरम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरे ड्राई मंचूरियन की रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।